हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑडियस इंग्लिश कोचिंग क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ राजनीति शास्त्र, जो कि प्री बोर्ड परीक्षा का सॉल्यूशन या फिर राजनीति शास्त्र का पेपर का सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं, इसमें दे रखा है पूर्णांक 80 का है और समय 3 घंटे दे रखे हैं। यहाँ प्री बोर्ड परीक्षा जो कि होमटेक रूल के अकॉर्डिंग हो रही है, उसी पेपर का सॉल्यूशन है। देखते हैं, पहले ही क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलते हैं और सेकंड वाले क्वेश्चन में यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिखाई देते हैं। वहीं तीसरे नंबर पर हमें जोड़ी इसमें मिलती है, कॉलम आ और कॉलम ब करके। वहीं अगले क्वेश्चन में यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए होते हैं। वहीं पांचवें क्रमांक के क्वेश्चन पर हमें सत्य असत्य लिखने के लिए दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो दो दो नंबर के क्वेश्चन भी हमें इस पेपर में देखने को मिलते हैं। इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन हम नीचे देखने वाले हैं। यहाँ पर दो दो नंबर के क्वेश्चन हमें बहुत सारे मिल जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर के इस पेपर में भी क्वेश्चन हैं एवं 4 नंबर के क्वेश्चन भी इस पेपर में हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन हम गहराई से देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर दिया हुआ है, जिसमें पहले ही में लिखा हुआ है क्यूबा मिसाइल संकट। वहीं दूसरे वाले में मिसाइल गोरबाचेव लिखा हुआ है। वहीं तीसरे वाले में बराक ओबामा है और चौथे वाले में एओ होम लिखा हुआ है। वहीं पांचवे वाले पर आएगा 22वां आंसर, 22वां लिखा हुआ, और छठे नंबर पर युगे लिखा हुआ है। यहीं क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर रहेगा उसमें रहेगा पहले वाले में 8, दूसरे वाले में 5 जून, तीसरे वाले में 7 और चौथे वाले में न्यूयॉर्क और पांचवे वाले में 565 और वहीं छठे क्रमांक पर जयप्रकाश नारायण और सातवें क्रमांक पर प्रेरी यार। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कुछ इस प्रकार रहेगा, सीटी बीटी निषेध संधि जो कि 1996 में हुई थी और आसियान की स्थापना तो 1949 में हुई थी, बोल्शेविक क्रांति जो 1917 में हुई थी, सोवियत संघ का अंत 1991 में हुआ था, दक्षेस की स्थापना जो 1985 में हुई थी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में हुआ था। इस प्रकार के इसके क्वेश्चन आंसर हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप में ही जो कि चौथे क्वेश्चन की ओर, तो यहाँ पर पहले में आएगा मेड काउ महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देश जापान है। वहीं दूसरे का आंसर ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से है। वहीं आगे बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन की ओर, तो पंचशील सिद्धांत से संबंधित नेता जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं यदि एक पार्टी चौथे नंबर पर आ जाएगा, यदि एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिल पाए तो दो या अधिक पार्टियां मिलकर गठबंधन से सरकार बनाती है। वहीं पांचवें नंबर पर जब विश्व के सभी देश व्यापार की उधार नीतियां अपनाते हैं, परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व के बाजारों का एकीकरण हो जाता है, उसे वैश्वीकरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें छठे आंसर की ओर, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। वहीं सातवें नंबर पर भारत में प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से 1952 के मध्य में हुए थे। वहीं क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर पहले में आएगा असत्य, दूसरे में भी असत्य, तीसरे में सत्य और चौथे में भी सत्य और पांचवे में सत्य और छठे नंबर पर भी सत्य ही रहेगा। और आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, तो यहाँ पर इसका आंसर हम देख सकते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के उत्तर का जो रहेगा आंसर वो अथवा वाला है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की ओर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वेश्चन 9 का आंसर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसमें आप अपनी कॉपी में इसको वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हैं। वहीं प्रश्न क्रमांक 8 का जो आंसर है वो अथवा वाला है, नाटो का पूरा नाम उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन है। और आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, जिसमें यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। वहीं आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, इसमें सभी देशों की सर्वाधिक स्थिति में सुधार हुआ और दूसरा वाला है रोजगार
के अवसरों में वृद्धि हुई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर भी है, प्रथम भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। वहीं आगे क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा वाला आंसर इसमें दे रखा है। वहीं क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर इसमें भी यहाँ दे रखा है। क्वेश्चन क्रमांक 15 का आंसर इसमें दिया हुआ है। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसमें 16 का उत्तर भी इसमें दे रखा है और इसकी पूरी जानकारी इसमें नीचे दी हुई है। वहीं प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर जो अथवा करके दे रखा है उसका भी इसमें दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसमें यहाँ पर 17 का भी आंसर इसमें यहाँ मिल जाएगा। और आगे बढ़ते हैं इसमें, तो आगे देखते हैं तो क्वेश्चन क्रमांक 20 का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ बाद में भी है आंसर जो कि कुछ छूट गए हैं, वो भी नीचे मिल जाएंगे हमें। यहाँ पर पूरी जानकारी इस आंसर की दी हुई है क्वेश्चन क्रमांक 20 की। आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी है, इसमें बहुत सारे आंसर जो देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन क्रमांक 21 का उत्तर अथवा वाला यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और महासभा भी है और उसके पूरी जानकारी इसमें दी हुई है। क्वेश्चन क्रमांक 22 का आंसर इसमें हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं तो इसमें पूरा आंसर इस प्रकार का देखने को मिलेगा। अगर आप क्लास 10th और 12th के हैं तो विद्यार्थी हैं तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि और भी आने वाले वीडियोस का आपको लाभ मिल पाए। यहाँ पर गुट निरपेक्षता की नीति क्या थी उसकी पूरी जानकारी इसमें दी हुई है। आगे बढ़ते हैं, इसमें किस प्रकार से सॉल्यूशन किया गया है वो देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्रमांक 19 का अथवा वाला आंसर भी हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पेपरों का पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा ताकि आप आसानी से अपनी परीक्षा में अधिक से अधिक अंक ला पाएं। होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने मित्रों को भी पास भी भेजोगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक कमेंट अवश्य करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।